हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुनिया का सबसे आसान केक। यस फ्रेंड्स, देख के तो नहीं लग रहा रहेगा बट ये बहुत ही आसान केक है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें मैंने मैंगो फ्लेवर दिया है, आप चाहे तो आपके मनपसंद फ्रूट्स का फ्लेवर दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैंगो का सीज़न है तो इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर में ये केक बनाकर रेडी किया हुआ है। चलिए देखते हैं इस सबसे आसान केक को कैसे बनाया जाता है। इसे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस केक को बनाने के लिए पहले तो मैंने शुगर को इस तरह से ग्राइंड करके ले आया हुआ था। हाफ कप शुगर का मैंने पाउडर बनाया हुआ था। इसी इसमें क्या करूँगी, मैं मैंगो पीसेस ऐड करूँगी। एक हाफ मैंगो पीसेस ऐड कर देना, ये प्योरली ऑप्शनल है। अगर आपके पास मैंगो नहीं, अगर आप और कोई फ्रूट्स फ्लेवर में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट मैं मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ इसलिए मैंने मैंगो पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, तो जैसे आपको पसंद है वैसे फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसमें दही ऐड करूँगी। 3 से 4 चम्मच तक हमें ऐड करना है दही। आप अंडे खाते हो तो एग ऐड कर सकते हो, बट विदाउट एग इसे बनाना चाहते हो तो आप दही ऐड कर देना है। फिर 4 चम्मच आपको तेल ऐड करना है, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल रहता है ना उसे ऐड करना है। फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर देना है एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर दिया है मिक्सी जार में। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंगो वगैरह सब बहुत अच्छे से फाइनली पेस्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें मैदा ऐड करना है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा। अब ध्यान रखिएगा, 1/2 कप शुगर तो 1 कप मैदा हमें लेना है। तो दही 3-4 चम्मच और तेल जो है वो भी 3-4 चम्मच लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है 1 कप जितना। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेनिला एसेंस, जस्ट 1 चम्मच जितना मैंने वेनिला एसेंस ऐड किया है। अब इसे फिर से मिक्सी जार में ऐड करके इसे एक बार ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ग्राइंड कर दिया है जस्ट एक बार। तो अब हमें इसमें दूध ऐड करना है। दूध हमें 1/2 कप जितना ऐड कर देना है, या फिर अब थोड़ा थोड़ा ऐड करके केक का बैटर जैसे चाहिए उतना हमें दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है। तो इसे मैं एक कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये हो गया है रेडी अपना केक के लिए बैटर। अब हमें इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करना है। आप इन दोनों के जगह पे इनो 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हो। आपको बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच लेना है और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 चम्मच लेना है। तो आप ध्यान से याद रखिएगा, मैं जैसे मेजरमेंट बोल रही हूँ उसी तरह से आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करने से पहले तो मैंने कुकर को ऑन रखा हुआ था, जस्ट मिल्क मैंने इस तरह से ऊपर से ऐड कर रही हूँ। हाँ, तो ये अभी इसे मिक्स करना है। कुकर में हमें क्या करना है, सीटी और रबर निकाल कर रख देना है। नीचे चाहे तो आप नमक डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हो। कुकर को जस्ट अभी मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो अभी यहाँ पर इस बैटर को एक बार इस तरह से मिक्स कर लूँगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ। तो ये बैटर हो जाएगा रेडी, बहुत ही स्मूथ बनकर रेडी हो गया है। तो ये अभी हो गया है रेडी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, होममेड टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है बट जब आप केक खाओगे तो इस तरह से टूटी फ्रूटी मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं तरबूजे के छिलके से बनाया हुआ है, टूटी फ्रूटी होममेड है, तो इसे मैं ऐड कर दूँगी और फिर इस तरह से मिक्स कर लूँगी। टूटी फ्रूटी ये कलर ऐड करने से आप जब केक कट करोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बीच में टूटी फ्रूटी दिखेगा।
अब मैं क्या करूँगी, एक बर्तन में तेल लगा कर ले लूँगी जिसमें मैं केक बनाने वाली हूँ। आप नॉर्मल जो कुकर का जो बर्तन रहता है उसी में आप बना सकते हो। उसके बाद ये बैटर जो है इसे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर इसे इस तरह से एक बार मिक्स कर सकते हैं, जस्ट हल्का सा इस तरह से टैप करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुकर में रख दूंगी। तो इसे एकदम लो फ्लेम में 35 मिनट्स तक बेक होने के लिए देना है कुकर में। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूल गया है ये जो केक है। और कलर भी देख लीजिएगा, येलो कलर आया है सिर्फ आधा मैंगो ऐड करने से। तो यहाँ पर ये अच्छे से निकल रहा है, तो इसे मैं अभी निकाल कर रख दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसे साइड से इस तरह से ठंडे होने के बाद साइड से इस तरह से निकाल कर लेना है। इसके बाद कोई भी प्लेट में आप इस तरह से टर्न कर लोगे तो ये केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपक जाता है, बहुत आसानी से ये केक निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने केक निकाल दिया है, देख सकते हो कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है केक। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जस्ट बटर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, बट आप बटर ऐड करोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मतलब जो बटर का फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और आप कुछ कुछ भी डेकोरेट कर रहे हो तो इस पर अच्छे से चिपक जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम ऐड करना। ये मैंने बटर को बीट करके लिया हुआ था, थोड़ा सा शुगर डाल के, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ये केक एक्चुअली थोड़ा सा गर्म है, तो यहाँ पर मैंने बटर को ऐड कर दिया है। डेकोरेशन आपके ऊपर, आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक मारी बिस्किट को, 3 मारी बिस्किट को ग्राइंड करके पाउडर बनाया हुआ था, तो उस मारी बिस्किट को मैं इस तरह से साइड में डाल दूंगी। जस्ट डेकोरेशन के लिए ये सब मैं कर रही हूँ, क्योंकि घर अभी लॉकडाउन है तो घर पे जो सामान है उसी से मैं डेकोरेशन कैसे करना है तो उस हिसाब से मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो ये जैसे जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको जैसे डेकोरेट करना है वैसे डेकोरेट करें, बट मुझे ये ऐसा लगा कि ये डेकोरेशन बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से जो घर पर अवेलेबल है उसी से बहुत आसानी से हो जाता है, इसके लिए मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। ये जस्ट बिस्किट का पाउडर है जो मैंने सारा साइड्स में डाल दिया है। बटर डालने की वजह से बहुत ही अच्छे से चिपक गया है ये बिस्किट का पाउडर। अब मैं क्या करूँगी, मैंगो फ्लेवर दिया है तो मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले आया है, तो इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी मैं। जैसे कि आप जो फ्लेवर का बना रहे हो तो उसी फ्रूट्स को आप ऊपर से सजा सकते हो। तो मैंने मैंगो फ्लेवर बनाया है तो मैंगो फ्रूट्स था, तो उसे कट करके बहुत स्मॉल पीसेस में कट कीजिएगा, पीसेस में ही कट कीजिएगा, इसका प्यूरी मत बनाइएगा, क्योंकि जब इसका पीसेस मुंह में आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी। इसके लिए मैंने इस तरह से मैंगो पीसेस को अच्छे से डेकोरेट किया है ऊपर। तो यहाँ पर ये हो गया है मैंगो पीसेस। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो जेम्स, जो चॉकलेट या आप कोई भी चीज़ ले सकते हो उसे मैं इस तरह से ऊपर रख के डेकोरेट कर दूँगी, केक के ऊपर जस्ट साइड में रख के डेकोरेट कर दूँगी। कलरफुल भी दिखेगा इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जो जेम्स आता है ना उसे इस तरह से डेकोरेट करने के लिए रख दिया है। तो अभी ये हो गया है। अभी क्या किया है, मैंने मैंगो को इस तरह से राउंड में कट करके लिया हुआ था, उसे मैं इसके बीचों बीच रख दूंगी। बहुत आसान है, इस तरह से जस्ट मैंगो को स्लाइस में कट किया है और उसको राउंड घुमा दिया है, तो फिर उसके ऊपर एक जेम्स रख दूंगी। तो ये हमारा केक बन के रेडी हो गया है। साइड से जो बिस्किट है उसे जस्ट क्लीन किया है, देख सकते हो ना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये केक, और टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, मैंगो फ्लेवर का, और ऊपर से बटर डाला है तो बटर का भी फ्लेवर आ रहा है, तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो गया ये केक। तो इस केक को ज़रूर बनाना,
मैंने बहुत ही कम सामान के साथ जो घर पर है उसी से मैंने केक बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।